सर्विस में एलवन कैसे करते हैं? हम लोगों ने प्रोडक्ट का तो देख लिया, एलवन करने का तरीका जो कैसे करेंगे, पहले सेलर के आईडी पे जाके चेक कर लेते हैं जो एलवन होता है या नहीं होता है, और फिर हम लोग उसको बायर के आईडी में डायरेक्ट तुरंत हम लोगों ने एलवन करके देख लिया, पर सेलर के आईडी में वो परफेक्ट बैठा तो हम लोग बायर के आईडी में कर पाएंगे। यदि सेलर के आईडी में नहीं होता था तो बायर के आईडी में दिखता ही नहीं था। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट के केस में देखा, जो प्रोडक्ट के केस में एलवन हम लोग इजीली कैसे बना सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस के क्लास में, जो सर्विस का एलवन कैसे बनाते हैं। तो आप लोग बताइए मुझे, कोई भी सर्विसेज बताइए, सर्विसेज मार्केट में जाके क्या सर्विस का एलवन करूं, बोलिए। मैन पावर में सब लोग 0.5% डाल के बैठे हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सबका रेट सेम है। आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0.5% ही रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे यदि आपने 0.5% डाला, 100% आपको ऑर्डर मिलेगा। मैन पावर मिनिमम वेजेस, यहाँ पे आपको सेम बीट पिटिंग नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक कॉन्ट्रैक्ट डालना है, मान लो मुझे 1 तारीख से लेके मुझे 1 फरवरी से 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट डालना है, दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 26, कितने दिनों का, टेंडर ड्यूरेशन 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। डेली वेजेस मिनिमम कितना है, मान लो 550 मेरा डेली वेजेस है। पीएफ देंगे क्या, हाँ पीएफ देंगे, 67 रुपीज हम लोग पीएफ प्रोवाइड करेंगे। ईएलडीआई वगैरह नहीं देंगे, जैसे कि हम लोगों ने बीड में देखा था, याद है ये आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शनल ये नहीं है जरूरत। ये हम बायर में देख रहे हैं ना सर, हैं ये हम बायर में देख रहे हैं, बायर में देख रहे हैं। क्या चाहिए आपको, अनस्किल्ड, मान लो आपके पास जो आप डालोगे वो ऐसा ही सेम कैटलॉग आपके पास बना हुआ होना चाहिए, तो ही आपका नाम आएगा। देखो यहाँ पे नाम आ जाता है, मान लो मुझे अनस्किल्ड लेबर चाहिए, कितना क्वांटिटी, तो मुझे 2 लेबर चाहिए। टाइप ऑफ फंक्शन किसमें रहेगा, अनस्किल्ड लेबर, तो अदर्स में आपका प्रोफाइल में जैसा डाला है। अभी आपको यहाँ पे मैनेज करना है तो आपको प्रोफाइल में एडमिन बोल में, इसको क्या करो, अनस्किल्ड को आईटी टेक्निकल में डाल दो, तो जनरली कोई किसी ने नहीं डाला होगा तो आपका इजीली बन सकता है। तो यहाँ पे अदर्स, एक्चुअली रूल्स में जाएंगे तो अदर्स, लिस्ट ऑफ प्रोफाइल क्या चाहिए, मजदूर लेबर चाहिए मुझे, एडुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, आपने जैसा प्रोफाइल डाला है वैसा यहाँ पे फिल्टर लगा दो। आपने जैसा लगाया है आपके प्रोफाइल में, आपने जैसा कैटलॉग बनाया है, सेम फिल्टर ऐसा लगा देना गया, सेम टू सेम, पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड, आपको यदि वहां पे चाहिए तो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल्टर लगा दो। सब 0.5, सबका यहाँ पे सेम रेट, सभी लोगों का देखो एक्सपीरियंस, मुझे 3 से 7 वाले एक्सपीरियंस वाले से लगा दिया। अभी देखो सब लोग L1, किसी का भी देखो L1, सब L1, कोई भी देखेंगे सब L1, यहाँ तक इतने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और सब लोग L1, सबका रेट सेम, 4,19,450 सबका रेट सेम। देखो यहां से बढ़ गया, देखो वहां तक सबका रेट सेम। अभी आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते, यदि मान लो इस प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग लिए तो आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, वहां पे नाम नहीं दिखता है कहाँ पे, प्रोडक्ट में, पर सर्विस में दिखता है। अभी आप इसमें से किसी को भी हम ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि सबका रेट सेम है। मान लीजिए मुझे RS डॉटर एंड कॉर्पोरेशन को मुझे ऑर्डर देना है, तो इसको ऐड टू कंपेयर में इनका नाम ऐड कर दो, हो गया। एक तो पहले वाला ऑटोमेटिकली ये ले ही लेगा पराग टेक्नो को, और ये मैंने डाल दिया। अभी मुझे ऑर्डर किसको देना है, RS डॉटर, हो गया कंपेयर। यहाँ पे सर्विस पे जाओ, कंपेयर, दो और एक कंपेयर कर दो किसी को, हो गया 3 कंपेयर, ये कंपेयर सीड बन गया। मुझे देना है इनको ऑर्डर, अभी L1 किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, और मुझे ऑर्डर देना है इनको, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, इसको ऐड टू कार्ट कर दो, ऑर्डर उसको चला जाएगा RS डॉटर एंड कंपनी। ₹4,19,000 यहाँ पे सबका नाम दिख जाता है, सब कुछ प्रॉपर दिखता है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इधर बायर का मर्जी है, हाँ यहाँ पे बायर का मर्जी, रेट सब सबका सेम हुआ तो,
और जनरली सर्विस में रेट सबका सेम ही रहता है। एड टू कार्ड हो गया, अभी कार्ड में एड हो गया तो मुझे यहाँ दिखेगा शॉपिंग कार्ड में, नहीं दिखा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, बड़े बार करते हैं तो कार्ड में ऐड होने के बाद उधर दिखता है। सर एक पेंडिंग सर्विस से देख सकते हैं सर। ठीक है देख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाता है, मैं यहाँ पे देख और एक बार ट्राई कर लेता हूँ इसका, नहीं तो फिर प्रिंटिंग सर्विस का असिस्ट कर देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से, वो कार्ड में ऐड होने के लिए दिक्कत दे रहा है, एक दो बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं हुआ, ऐसा मैसेज आया तो नहीं चलेगा, यहाँ पे कार्ड में ऐड बोल के यहाँ पे आना चाहिए तो ही वो कार्ड है, कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं दे रहा है, और ट्राई कर लेते हैं एक दो बार ट्राई करेंगे, या फिर लॉग आउट हो गया होगा तो भी नहीं आएगा, ट्राई कर लेते, लॉग आउट तो नहीं हो गया। हाँ धनंजय सर बोलिए, धनंजय सर। सर मैं अभी डिसकनेक्ट हो गया था सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो देख नहीं पाया मैं। ठीक है देखो, हम लोग और एक सर्विस का देख रहे थे, प्रिंटिंग ऐसे आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ऐड में कार्ड हो जाएगा और फिर आप देख लोगे। चलो फिर से हम लोग सर्विस का सर क्या बोल रहे हैं, प्रिंटिंग सर्विसेज का देखो, तो प्रिंटिंग सर्विसेज यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं डालना है, प्रिंटिंग सर्विस, प्रिंटिंग कौन सा प्रिंटिंग, पेपर बेस ऑन पेपर प्रिंटिंग प्रेस, कौन सा पेंटिंग, बिल्डिंग पेंटिंग सर्विस, बिल्डिंग पेंटिंग, बिल्डिंग पेंटिंग का कैटेगरी का नाम बताइए, कैटेगरी है क्या? नहीं पेंटिंग पेंटिंग कैटेगरी, कैटेगरी का नाम चाहिए अपने को, आप लोगों ने क्लास यहां तक कर लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट। बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस का कैटेगरी, ओके, बिल्डिंग बोल के एक भी कैटेगरी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ओके, जब कैटेगरी ही नहीं है आपको पहले, इसीलिए पहले कैटेगरी फाइंड आउट करने का, फिर ठीक है बोलो दूसरा, और कोई कैटेगरी में किसी को चाहिए सर्विसेज में एल1 प्रोसेस प्रिंटिंग का करते हैं क्या सर? हेलो, ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग कैटेगरी का नाम क्या है? ऑफसेट प्रिंटिंग का, ऑफसेट प्रिंटिंग नाम है, ऑफसेट नहीं है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। सर आप लोग अभी यदि आप लोगों को कैटेगरी का नाम आप लोग नहीं देख रहे तो फिर आपको बहुत मुश्किल है, मतलब आपने जेम पे काम ही नहीं किया। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में चार है ना, एक दो तीन, तीन है, न्यूज़पेपर मैगजीन और ये भी न्यूज़पेपर है, तो किसका ले लो? कोई भी सर, कोई भी चल जाए मैगजीन, देखते हैं अभी इसमें। अभी आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट डालो यहाँ पर भी सेम, मान लीजिए मुझे 1 फरवरी से लेके 22 तक जनवरी 31st एक साल का कॉन्ट्रैक्ट देना है। सर्च कंसाइनी नहीं डाला है इसलिए, कितना चाहिए मुझे, 5 चाहिए, डाल दिया एक क्वांटिटी के लिए, सर्च कर दो, नो रिजल्ट, कोई भी नहीं है क्या, जेनरिक जनरल मान लीजिए, कोई ये है ही नहीं यहाँ पे इंडिया टुडे, सर महाराष्ट्र के लिए कोई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, कोई ऑफर विदाउट प्राइस में देखता हूँ, नहीं नहीं है कोई, सर इसमें एल1 नहीं है, ओके सर, इस कैटेगरी में एल1 नहीं है, या फिर इसमें सिर्फ ऑफर विदाउट पीआर बन सकता था शायद, पीआर होगा पर ये नहीं है, डायरेक्ट परचेज नहीं है इस कैटेगरी को, डायरेक्ट परचेज का परमिशन नहीं है होगा, या फिर कोई कैटेगरी किसी ने डाला नहीं होगा महाराष्ट्र के लिए, ऐसा तो बहुत देर चांस है, शायद इसके लिए एल1 प्रोसेस इसमें नहीं है। धनंजय सर बोलिए ना, धनंजय सर ऑप्शन इसमें बोलिए, और किसी का कोई, हाँ योगिता मैडम बोलिए। सर ये अनुअल मेंटेनेंस कॉन्टेक्स होता है, हमें कैलिब्रेशन होता है मशीन्स का, कैटेगरी बताइए मुझे, ऐसा नहीं कैटेगरी का नाम चाहिए, यदि आप कैटेगरी का नाम बताते हैं तो हम लोग बताते हैं, पेपर प्रिंटिंग, ओके पेपर प्रिंटिंग,
पेपर प्रिंटिंग कर रहे हैं। पेपर में प्रिंटिंग में कौन सा किसने डाला क्वेरी? पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विस। ओके, इसमें बिड निकाल देता हूँ। L1 करना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक चाहिए आपको? तो मान लीजिए मुझे 2020 से 1 फरवरी से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए दिसंबर तक। नंबर ऑफ पेजेस 1000 सर। कंसाइनी ऐड नहीं किया, पहले कंसाइनी करना पड़ेगा। महाराष्ट्र, लोकेशन कितना, नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। ओके, आ गया देखो डायरेक्ट अभी नाम, ऐसा नाम आ जाता है यहाँ पे देखो, नॉट रिक्वायर्ड। ये टोटल वैल्यू इसका 0.01 पैसा ये पर पेज का चार्जेस लगा रहा है, ये 0.02 पैसा लगा रहा है, तो ये सबसे कम रेट का है। इसको आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसका देखो क्या क्या है और इसमें क्या नहीं है, तो ये निकल जाएगा। टाइप ऑफ प्रिंटिंग किसका है? इसका प्रिंटिंग विद मटेरियल। यदि उसने प्रिंटिंग विदाउट मटेरियल या वेरिएबल डाटा में यदि उसने कैटलॉग डाला होगा तो ये निकल जाएगा। जेम सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है। अब ये पेपर विदाउट मटेरियल वाला है, इसका भी इसने ऐसा भी डाला है, ठीक है। हम दूसरी जगह पर से भी निकाल सकते हैं। कैटेगरी ऑफ प्रिंटिंग, आपका कैटेगरी क्या है? इसने इसका है पॉकेट डायरी, टेबल डायरी, ईयरली डायरी है। मुझे चाहिए मान लीजिए इससे अलग कुछ, बिजनेस कार्ड चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से ये निकल जाएगा। ये बीड टिक क्या हुआ है, क्या नाम नहीं आ रहा यहाँ पे? यहाँ पे ओके, बिजनेस कार्ड आ गया देखो ऑटोमेटिकली, तो ये 0.2 पैसा हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होगा। तो आपके कैटलॉग के हिसाब से आप इसको अपना कैटलॉग बनाओ, और कैटलॉग बनाने के बाद जैसे यहाँ पे डाल दोगे सेम कंपेयर करो, तो सबसे कम रेट में होगा उसको आपको डालना पड़ेगा। ये पूरा आपको डालना लिख इसमें डाल देना पड़ेगा, क्या चाहिए, कलर ऑफ प्रिंटिंग क्या चाहिए, डबल प्रिंटिंग कंटेंट, टेक्स्ट, आपका जैसा आपका जो कैटलॉग है वैसा डालने का पूरा फिल्टर आपके अकॉर्डिंगली, आपने जैसा बनाया है सर्विस में कैटलॉग वैसा। अभी थोड़ी देर पहले कोई कैटलॉग बना रहा था, तो आपने जैसा कैटलॉग बनाया है वैसा आपको यहाँ पे फिल्टर यूज करना है। मैं यहाँ पे रेंडमली ले रहा हूँ, पर आपका जैसा फिल्टर था वैसा ही यहाँ पे यूज करेंगे फिल्टर, तो ही आपका नाम आएगा, नहीं तो आपका नाम नहीं आएगा। अभी देखो इतने लोग आएंगे। अब इसमें से इसका है 149 का, 1.49 पैसे से, पहले देखो 3 पैसा था, ये बढ़ के 149 पे पहुंच गया। ये कितना है, ज्यादा है क्या रेट? 1, 2, 3, 4 14,90,000 है क्या? तो ये L1 नहीं होगा कंपेयर में, क्योंकि इसके लिए कंपेयर नहीं होता, रेट बढ़ गया है इसीलिए नाम नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं कंसाइनी में 1000 की जगह 100 कर देते हैं, क्योंकि ये 5 लाख के ऊपर L1 नहीं होता। अभी देखो 1,49,000 बराबर है। अब इसको कंपेयर कर लीजिए एक के साथ दूसरा, कंपेयर हो गया। अभी ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो सबसे कम रेट में दे रहा है उसको ही चला जाएगा। यहाँ पे कंपेयर सेट 2 का हो गया और एक कंपेयर। अभी आप दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकते, अभी आप इसमें इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, या इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, या इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे कम रेट इसका है। अभी इसमें यदि आपने क्लिक किया तो ये बिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रेट सबसे कम है तो आपको इसलिए इसको ही ऑर्डर देना। जब सबका रेट सेम रहेगा तो आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते हो, पर ऐसे कंडीशन में नहीं, और ये सिर्फ सर्विस में, प्रोडक्ट में नहीं। एड टू कार्ट, ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए एड टू कार्ट नहीं हो रहा एक्चुअली, नहीं तो यहाँ पे एड टू कार्ट हो जाएगा, फिर बाद में प्रोसेस सेम शॉपिंग कार्ट में जाएगा और ये प्रोसेस सेम का। अभी देखो हो गया कंपैरिजन सीट, प्रीव्यू फॉर्मूला हमारा, एक लाख प्रीव्यू फॉर्मूला
बराबर है, इस कैटेगरी को शायद L1 अलाउड नहीं है, इसके वजह से ये बीड में जा रहा है, ये L1 नहीं हो रहा है, नहीं तो ये L1 होता था। इस कुछ कैट सर्विस में कुछ कैटेगरी को L1 अलाउड नहीं है, तो देखो इसको कभी L1 अलाउड नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्ट बीड में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे L1 का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो ये डायरेक्ट फिर L1 होके डायरेक्ट ऑर्डर को प्रोसेस हो जाता। बोलिए और किसी को कोई डाउट्स? हाँ नरेंद्र सर बोलिए। सर जैसे आप बता रहे थे कि L1 जैसे 15 लाख ऑर्डर है कोई, तो उसको हम तीन पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ सर्विस की केस में कर सकते हैं सर, सभी के केस में कर सकते हैं, सबके लिए रूल एक ही है ना, रूल अलग तो कुछ नहीं। नहीं सर जो सर्विस होगी वो कॉन्ट्रैक्टर को देगी वो ना हमारा, तो उसको बाई पार्ट कैसे करेंगे? अभी आप कैसे करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे ना सर। नहीं सर अब सैलरी जो उसने दिया कॉन्ट्रैक्ट, पहले तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 12 महीने का है तो तीन तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, या लेबर कम कर दो, 20 लेबर चाहिए तो दो दो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तीन तीन लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठीक है। अमाउंट कम करने के लिए आपको जो भी लगता है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं।